नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवभूमि हिमकला मंच के इस कार्यक्रम जिसका नाम है चलते चलते। आपको बता दूं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं चलते चलते कुछ ऐसे कलाकारों से और जानते हैं उनके बारे में। तो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में है मिस नीलम। तो चलिए करते हैं उससे बातचीत, जानते हैं उनके बारे में। नमस्ते नीलम जी। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया नीलम जी, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, तो नीलम जी क्या कर रही हैं आप आजकल? आजकल ज्यादा कुछ नहीं, बस स्टडी कर रही हूँ और थोड़ा बहुत म्यूजिक। थोड़ा बहुत म्यूजिक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीलम जी बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं, तो आज आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगी, सूफी सॉन्ग। जी जी सूफियाना। जी बिल्कुल सुनाइए। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दिवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क, मेरे दिल को जान से जुदा कर दे, यू बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तो मेरी चाल तो बस कर दे, आशिकाना तेरे वास्ते, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। सच में इनके वास्ते मेरा इश्क सूफियाना। सच में आप इतनी अच्छी, आपकी आवाज है और कितना अच्छा आप गाना गाती है, और मेरे को मालूम है कि हमारे दर्शकों को आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा प्यारी लगेगी। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम ऐसे ही कलाकारों को चलते चलते मिल लेते हैं और इतनी प्यारी प्यारी आवाज आपको सुनाते हैं। तो नीलम जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में चलते चलते मिली और आपने हमारे साथ इतनी अच्छी बातें करी और अपना इतना प्यारी आवाज में आपने हम सबको गीत सुनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे कार्यक्रम में आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। मैं आप सभी को और देवभूमि हिमकला मंच को धन्यवाद करना चाहती हूँ।